आज उनकी रिपोर्ट्स में आया कि उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों हाई है। और फिर ये फ्रैक्चर, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो दवाई का नशा है तो आराम से सो रही हैं, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा तो किस तरह से बर्दाश्त करेंगी ये तकलीफ? और फिर आप भी चली जाएंगी, कौन ख्याल रखेगा इनका? नसरीन, नसरीन बेगम साहब आप आ गई हो? हाँ, क्या हुआ? अनाया बीबी है ना, क्या हुआ अनाया को? उनके सर पे चोट लग गई। क्या? अनाया? तो बात अनाया को कैसे लेके जो? तुम जरा बाहर हो, बात करनी तुमसे। कैसे चोट लगी इनाया को? तुम घर पे होगी तो पता चलेगा ना उसको चोट कैसे लगी। मुझसे पूछे बगैर अपनी माँ के घर पे चले जाती हो हमेशा तुम। बात मैं क्या करूँ, उनकी हालत ठीक नहीं है। देखो अफजा, तुम आइंदा अपनी माँ के घर पे नहीं जाओगी। अगर तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात आप क्या कह रहे? 50,000 दफा बोल चुका हूँ मत जाओ अपनी माँ के घर पे। अगर आइंदा तुम अपनी माँ के घर पे गई तो मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें, निर्णायक भी छीन लूंगा तुमसे। फिर संभालती रहना खुद को और अपनी माँ को। निर्णायक भी छीन लूंगा तुमसे, संभालती रहना खुद को और अपनी माँ को। आपकी चाय। थैंक यू। क्या हो गया? बात बहुत परेशान हूँ, अम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल है, उनका बीपी और शुगर दोनों हाई है, उनकी टांग में भी फ्रैक्चर हो गया। आप मुझे वहां जाने नहीं देते और मैं उन्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि अम्मी को यहाँ ले आऊँ, वो स्टोर के साथ वाला कमरा है ना, उधर शिफ्ट कर दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अम्मी का भी ख्याल करूंगी। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये बात मुझे अपनी अम्मी की खिदमत से रोक कर आजमाइश पर मत डालें। मेरी अम्मी बहुत बेबस और लाचार है,
की बहुत जरूरत है, प्लीज। अफजा तुम्हें पता है मुझे मुझे पूरी उम्मीद थी तुम यही कहोगी। खैर मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं इस चीज की इजाजत तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। अपनी अम्मी को जाके बोलो उनके ड्रामों की वजह से ना तुम्हारा घर खराब हो रहा है। बीपी और शुगर है उनको, तो कैंसर नहीं है, मैनेजेबल डिजीजेस हैं, बच जाता है इंसान, खुद मैनेज करता है। ये बात उम्र की बात भी होती है, इंसान जवान और मजबूत हो तो बीमारी को जीना आसान हो जाता है। खुदा का वास्ता यार, मेरी जान छोड़ दो, मैं काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पढ़ना किसी बहस में, जाओ यहां से। सारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है।